here. भाई मैं तेरे से पहले पूछता हूँ, अगर तू हारा तो तू मुझे 100 रुपए दियो, अगर मैं हारा मैं गरीब मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। अरे पूछ मैं हारूंगा। भाई ये बता, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 सर है, 3 आंखें हैं और 3 पैर है तब भी वो जिंदा है? ये ले यार 100 रुपए, मुझे नहीं पता। अच्छा तू बता। ये ले भाई 10 रुपए, मुझे भी नहीं पता। अरे यार भाई साहब एक किक मार देते। अच्छा तो पागल है क्या भैया? आपने तो बोला किक मार देते। अबे स्कूटी पे किक मार देता भाई। मार दूंगा। हाँ मार। भाई हाँ? ये बताना क्या लिखा है। मुझे मार फिर बताऊंगा। पता चल जा, थोड़ा बच गया यार। यहाँ बैठे यार, सब ऐसे तो हो रहा है यार। अरे भाई वहाँ पे साफ है। कौन पे साफ है? चल जल्दी चल। यहाँ पे बिल्कुल साफ है, बैठ जाओ। अबे तुम लोगों को वो टावर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अबे मेरे अंदर इतना पावर है ना, वो टावर को अपने सर पे उठा के अमेरिका ले जा सकता हूँ। क्या झूठ बोल रहा है? अबे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लगी 500 की लगी लगी है ना। चलो उठाओ और मेरे सर पे रखो। अरे भाई ये क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। अरे भाई लिखा तो है। अरे कुछ नहीं लिखा है। लिखा तो है। अरे कुछ नहीं लिखा है। नहीं मैं ही खोलूंगा, तू ये मकान पकड़, बहुत हिल रहा है। शिवम भाई यार नए सैंडल आया यार, पता नहीं यार कैसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यार। दरार से क्या हो गया? उल्टे सैंडल पहन रखे तूने, सीधे कर इसको, सीधे पैर। ये उल्टे? हाँ उल्टे ये पागल। सीधे कर देता हूँ, रुक जा। हो गए सीधे? थैंक यू भाई, बिल्कुल सही पहन है, ऐसे ही पहन के सैंडल। मजे कर जा, खूब चल, चलता रहे, चलते चलते राजस्थान पहुंच जा, लंदन पहुंच जा। वैसे स्वेटर ले आइए मेरे लिए। बेटा बताओ इस दुनिया में कितने देश हैं? सर एक ही देश है भारत, वो कैसे? बाकी सब विदेश है ना सर। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता, मधुमक्खी अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। Likey. तू मेरे खातिर के कर सका है? कुछ भी। चाय पीनी छोड़ दे। कौन है तू? तो? तुम दिल मांगो दे देंगे, तुम धड़कन मांगो दे देंगे, तुम जिगर मांगो, चाहे तुम जान मांगो वो भी दे देंगे, क्योंकि ये चारों फिल्मों मैंने डाउनलोड करके रखी है। और भाई पढ़ाई में क्या कर रहा है? भाई इंजीनियर बन गया मैं। भाई कौन सा इंजीनियर? भाई सिविल इंजीनियर। मतलब? भाई बिल्डिंग बनाता हूँ मैं। अच्छा मिस्त्री है।
मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कुत्तों को चलती बाइक के पीछे भाग के मिलता क्या है? ना तो इनको बाइक चलानी होती है, ना इनको लाइसेंस चेक करना होता है। तुम लड़कियों को हमारे लड़कों का दिमाग चाट के क्या मिलता है? सुकून। उनको भी अच्छा नूर, मेरे एक सवाल का जवाब दे। मान ले तू कोक पी रही है और उसमें से एक मच्छर निकला, तो वो मच्छर तुझे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? माँ। वो क्यों? क्योंकि वो तेरी कोक से निकला है। यार तुम लड़के ना इंग्लिश में कितने कमजोर होते हो। अबे नूर, तेरे को 3 वीडियो में बता चुका हूँ, लड़के किसी चीज में कमजोर नहीं होते। अच्छा तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब दे। इट इज वेरी डेंजरस, इसमें इट किस लिए यूज होता है? इट ईट वैसे तो सर फोड़ने के लिए यूज होता है, लेकिन कई कई बार लोग इससे घर भी बना लेते हैं। लॉकडाउन की छुट्टी के बाद स्कूल की 1 महीने वाली छुट्टी कब पड़ेगी बताइए? कुछ तो शर्म कर, इतनी छुट्टी कम है क्या भूतनी के? यार एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो। मान लो 10 साल बाद तुम्हें एक लड़की होती है और मुझे एक लड़का होता है। हाँ? अगर मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को छेड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बदतमीज है तुम्हारा लड़का तो। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? अपन दोनों शादी कर लेते हैं तो वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। मणि क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। बेबी तुमको पता है आज मैंने नहाते समय शैम्पू सर पे भी लगाया और कंधे पे भी लगाया। पागल होगी तुम, कंधे पे शैम्पू कौन लगाता है? अबे पागल होगी तू, पगली शैम्पू पे ही तो लिखा था हेड एंड शोल्डर। भाई तूने बल्लभ के ऊपर अपने बाप का नाम क्यों लिखा हुआ है? भाई बाप का नाम रोशन करना है। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। और बहन गुटखा खाएगी? ये कोई अच्छी चीज़ खाने की? बीड़ी ला बीड़ी। शुरू, मेरे पापा का फोन आ रहा है। हाँ पापा। हाँ मैं मार्केट में हूँ। आलू ले लो, प्याज ले लो, सस्ती शराब ले लो। ने कुछ सिखाया नहीं कि घर की लड़कियों को झाड़ू पोछा करना चाहिए, बस दिन भर गाने सुनती रहती हो। क्या बोले? दीदी पैर ऊपर करिए, झाड़ू लगाना था। मैं बिना तुझे हाथ लगाए थप्पड़ मार सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। लगी शर्त? हाँ चलो लगी। 10-10 की लगी। तो लग गया, तुम हार गए। ये रख ले 10 रुपया। नाम क्या आपका? कोमल। बड़ा अच्छा नाम है। और आपका? लिख के बताए कि देखे। मतलब? अरे हमारा नाम पप्पी। भाई ये बता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फर्क है? भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंसान की जान जाती है। और भाई प्राइवेट में? भाई प्राइवेट में इंसान की जान, जमीन और जायदाद सब जाती है। यार देखियो, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तेरी भी गर्लफ्रेंड है, बताइए जरा। हाँ भाई है मेरी गर्लफ्रेंड, और एक नहीं 5-5 है, और 5ों को मैंने अपने बाप के पैसे से आईफोन दिला रखा है। बस भाई इतना बहुत है। वैसे ये है कौन? तेरे पापा। अंकल जी हो गया यकीन? I love you. पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। I love you too. भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है। ये लड़का। तुम कल मिलने क्यों नहीं आए थे? यार कल मेरे घर पूजा थी। और परसों? परसों मैं पूजा के घर था। ये मुझे 2 बातें समझ में नहीं आती। कौन सी? तुम लड़कियां बोलती हो कि लड़के ज्यादा मूर्ख होते हैं। सही बोलती हूँ, लड़के सारे मूर्ख होते हैं। तो फिर दूसरी बात ये क्यों बोलती हो कि हम लड़कों से कम नहीं है? हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज?
हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू, 1 किलो बैंगन, 100 ग्राम हरी मिर्ची, आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ लिख लिया आपने, सब लिख लिया। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल, सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? सही से लिखा है, सही से लिखा है ना? एक सेकंड रुकिए, बोलो इधर आ बेटे। ये देखो अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी, ये पेपर था, कहता है पापा मेरे तो 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये लिखा है नहीं लिखे है? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने, कहता है कहीं का ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है, मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। सुनिए मेरी एक बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलो ना। आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया? नहीं। हाँ यार एक बार समझ नहीं आया आज तक, ये मैगी मेल है या फीमेल? फीमेल है। कैसे? 2 मिनट का वादा करके 10 मिनट में बनती है। मार लो लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। मेरे को फिर शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए? मार खाने में कैसी शर्म भाई। आए मैं डॉक्टर, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा।